चलिए नमस्कार, मेरा नाम शुभम गौड़ और आप देख रहे हैं खेल जंक्शन। खेल जंक्शन के सेशन में हम बात करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से और जानेंगे आज जो 37वां मुकाबला खेला जाना है आईपीएल 2020 में, और ये मुकाबला है आपका चेन्नई वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में, क्योंकि यश जी भी राजस्थान से आते हैं और राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रहे हैं कुछ 2018 में, और बात करेंगे इनसे। उससे पहले अगर इनके आंकड़ों की बात करें, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के आंकड़ों की बात करें, तो अभी तक 23 मुकाबले दोनों टीम के बीच में हुए हैं, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने 9 मैचेस जीते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 मैचेस जीते हैं। तो आंकड़े अगर देखें तो पलड़ा जो भारी है वो चेन्नई सुपर किंग का है, लेकिन जिस तरीके से दोनों टीम ही स्ट्रगल कर रही है और लास्ट के बॉटम ऑफ द टेबल दोनों टीमें हैं। बात करें चेन्नई की तो 7वीं पोजिशन पे ये टीम है, और वही बात करें राजस्थान रॉयल्स की तो 8वें पायदान पे ये टीम है। ऐसी बात करें आज के मैच की, उससे पहले हम बात करेंगे कल जो मैच हमें देखने को मिला किंग्स इलेवन पंजाब और आपका मुंबई इंडियंस के बीच में, जो मैच हमें देखने को मिला एक सुपर ओवर टाई हुआ वहां पर, उसके बाद दूसरा सुपर ओवर डाला गया, उसके बाद वो जीत हासिल हुई किंग्स इलेवन पंजाब के लिए। तो कितना रोमांच तो सबने देखा, रोमांच तो बड़ा काफी रोमांच रहा, लेकिन ये जीत कितने मायने रखती है किंग्स इलेवन पंजाब के लिए? शिवम, मैं कहूंगा कि देखिए, शुरू से कहते आ रहे हैं अपन इस टूर्नामेंट जब से स्टार्ट होया था कि पंजाब की टीम में डेप्थ बहुत है, लेकिन वो किसी कारण से जहां पर होने चाहिए वहां पर नहीं नजर आ रहे थे। काफी हद तक टूर्नामेंट के मैं वो पिछले 5-7 दिन पहले तक वो 8वें नंबर पे ही थे, लेकिन जब से गेल आए, या ऐसे कहते हैं जैसे किसी के आगाज से अपना जो है लक बदलता है, उस नजरिए से देखे तो इससे पहले वाला मैच जिसमें गेल ने अच्छी बैटिंग करी थी, और कल का मैच अगर देखें अपन, दोनों के अंदर बड़ा ही रोमांच था और टीम बिल्कुल अब एक्चुअली पंजाब 11 की टीम नजर आ रही है। कल बहुत अच्छा मैच था, ये 170-175 रन के अंदर लग रहा था तो दिक्कत कर देंगे मुंबई वाले इनको, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह सूझबूझ से गेम दिखाया और मैच सुपर ओवर तक चला गया। और आपने गेल की बात की, आपने गेल की बात की यस जी, और गेल ने जो पहला सुपर ओवर टाई हो गया तो दूसरे सुपर ओवर में बैटिंग करने आए और टारगेट चेस करते हुए पहली बॉल पे सिक्स लगाया, तो सही में गेल फैक्टर तो चलता ही है जब भी टीम में आते हैं। गेल का ऑरा बहुत बड़ा है वर्ल्ड क्रिकेट में, एक तरह से उनका साम्राज्य राज करते हैं आज की तारीख के अंदर, भले वो एजिंग फैक्टर उन पे थोड़ा थोड़ा झलकने लगा है, लेकिन आज भी बैटिंग के अंदर वो उतनी शिद्दत से अपना शॉट मारते हैं और गेंद को जहां चाहे वहां खेल सकते हैं ग्राउंड के हर कोने में, और बड़ा अच्छा मैच था। और मैं समझता हूँ अब अगर लय में अगर पंजाब आ गया है जिस तरह से लास्ट दो मैच में दिखा है, तो उनको रिमेनिंग अपने 4-5 मैच से बच गए हैं, अगर उसको इसी रन रेट के हिसाब से मेंटेन करे तो, अच्छी रन रेट के हिसाब से, और अगर सारे मैच जीतते हैं तो अभी भी मतलब देर हो चुकी, लेकिन फिर भी अभी भी मतलब स्थिति ऐसी नहीं है कि बिल्कुल आउट हो गए हो बचे हुए सारे मैच, बहुत मार्जिन से जीतते हैं तो हो सकता है अभी चौथी टीम क्वालिफाई के अंदर पंजाब बन सकती, अभी भी खुला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह भी है यश जी, क्योंकि जो भी ये चौथे और पांचवे पायदान पे टीमें, हम बात करें आरसीबी की और केकेआर की, इनका जो नेट रन रेट है वो माइनस में है, किसी का भी प्लस में नेट रन रेट नहीं है, और 10 पॉइंट के साथ ये चौथी और तीसरी और चौथी पोजिशन पर ये है। अगर बात करें आज के मैच की तो सीएसके वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का ये मैच है, तो कैसे कंपेयर करते हैं दोनों टीम को आज, क्योंकि लास्ट मैच की बात करें सीएसके ने की टीम काफी अच्छी लग रही है, हालांकि थोड़ी सी आलोचना हुई थी रविंद्र जडेजा के लास्ट ओवर को लेकर के, लेकिन फिर भी एक अच्छा कमबैक हमें दिख रहा है सीएसके की टीम में। देखिए सीएसके की टीम की क्या थिंकिंग बिल्कुल अलग तरह की है, और लास्ट मैच को बिल्कुल भी आधार नहीं बनाते हैं करंट मैच के लिए, जैसे लास्ट मैच अगर वो आ रहे हैं तो भी और जीते हैं तो भी, वो प्रेजेंट में जीना धोनी की ये स्ट्रेटजी शुरू से देखी गई, प्रेजेंट में जीते हैं, पर मैं समझता हूँ उनके लिए भी बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि हर बार इतनी लीडिंग टीम रही है पिछले 10-12 साल के टूर्नामेंट के अंदर, और इस बार उनकी स्थिति एक दो बार पहले भी ऐसा होया टूर्नामेंट में कि खराब हो जाती थी लेकिन वो संभल जाते थे, पर अभी क्योंकि टूर्नामेंट 8-9 मैच हो गए अभी तक वो लोग उनकी स्थिति क्लियर नहीं, क्वालिफायर में लग रहे नहीं है, तो मैं समझता हूँ अब उनको बिना कोई ढील बढ़ते हुए बचे हुए जो भी मैच उनके 4-5 में उसको बहुत डिफरेंस से सामने वाले को हराना पड़ेगा,
और हर आर्मी को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, हर प्लेयर को बैटिंग हो बॉलिंग हो, उसमें उनको अपना 100% देना पड़ेगा, तो ही वो आगे हम देख सकते हैं उनको फर्स्ट चार में। अदरवाइज तो मैं समझता हूँ बहुत दिक्कत का काम हो जाएगा और बहुत देर ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए मैं समझता हूँ उनको करना पड़ेगा। यजी अगर बात करें, आप ये देखिए जो टॉप ऑर्डर चार जो टीमें हैं जो प्लेऑफ में जाने को तैयार हैं, हालांकि दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की थोड़ी राह जो है बिल्कुल नजर आ रही है कि ये प्लेऑफ में खेलेंगे खेलेंगी, लेकिन अगर बात करें नीचे की जितनी भी टीम है, पांचवें स्थान पे आप देखिए सनराइजर हैदराबाद है, छठे स्थान पे देखिए किस तरह से कमबैक करके दो मैच जीती है किंग्स इलेवन पंजाब और छठे स्थान पर पहुंची है, नहीं सातवें स्थान पर सीएसके है, आठवें पायदान पे आपका राजस्थान रॉयल्स है, लेकिन इनमें एक पॉजिटिविटी जो हर टीम को देखनी है वो ये है कि सबका नेट रन रेट बिल्कुल माइनस में है और जो अंक जो हैं वो 6 हैं, सबके जो अंक हैं जो पॉइंट टेबल में जो अंक हैं वो 6 हैं, तो ऐसा नहीं है नेट रन रेट से कुछ ही अंतराल से ही ये टीम ऊपर नीचे हो रही है, तो एक कमबैक हो सकता है क्योंकि अभी बचे हैं 5 मैचेस और 5 मैचेस में अगर सारे मैच कोई भी टीम जीतती है तो 16 अंक हो जाते हैं और 16 अंक के चलते वो प्लेऑफ में जा सकते हैं, तो हर टीम को अपना कमबैक करने के लिए हर मैच जीतना जरूरी होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, अब जो भी टीम बची हुई टीमें हैं जो 5 टीमें हैं वो जो भी इनमें से 5 में से 100% अपना रिजल्ट देगी उसके लिए प्लस होगा और वो क्वालिफायर के अंदर आ जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हो, पर ऐसा बिल्कुल होगा मुझे लगता है और मैं समझता हूँ यार या तो ये चीज चेन्नई के साथ में होगी और राजस्थान रॉयल भी कर सकती है और पंजाब भी कर सकती है, तो मैं अभी सब ये 5ों के ऊपर ओपन हूँ, किसी के लिए स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकता यही टीम आएगी, 100% जो देगी अब वो कौन सी देगी ये वी हैव टू वेट एंड सी। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर बात करें आज के मैच में दोनों टीमों की तो आज के कंडीशन आज के पिछले कुछ मुकाबलों को देखते हुए कैसे कौन सी टीम आपको बेटर दिखती है, राजस्थान रॉयल्स या सीएसके? देखिए हम ये हर मैच में पिछले जब से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है मैं और आप इस बारे में चर्चा करते आ रहे हैं कि कागज के अंदर टीम बेटर जो दिख रही है वो तो मैच के अंदर उस दिन परफॉर्म नहीं करती है। कागज की बात करें तो आज का जो जहां तक चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल का सवाल है, दोनों की अगर बैटिंग लाइन देखें तो दोनों के पास 5 से 6 नंबर तक बैट्समैन अच्छे हैं, पर प्रॉब्लम ये है चेन्नई के साथ में आ रही है कि वॉटसन चलते हैं तो सेकंड नंबर नहीं चलता है, थर्ड नंबर नहीं चलता है, और राजस्थान रॉयल के साथ भी यही है कि संजू सैमसन जब ओपन में आते थे एक या दो मैच में चले, अब बटलर ओपन कर रहे हैं तो बटलर चलते हैं तो दूसरा साथी नहीं चल पा रहा है, तो 100% जो रिजल्ट है टीम का 1 से 6 नंबर तक का बैटिंग ऑर्डर है वो अपना 100% नहीं दे पा रहा। अब आज के मैच को लें तो दोनों के लिए बड़ा क्रूशियल मैच है और आज इनको दोनों टीमों को ये समझना पड़ेगा कि वही टीम, क्योंकि अभी तक तो चल गया था लेकिन अब नहीं चलेगा, अभी ये मैच के अंदर जो ओपनर्स है उनको बहुत अच्छा स्टार्ट देना पड़ेगा जिससे मिडिल ऑर्डर पे लोड नहीं है और वो खुल के खेल सके, खुल के खेलेंगे तो रन बनेंगे तो जो बॉलर्स हैं वो अच्छी तरह बॉलिंग को स्ट्रेटजी प्लान करके कर पाएंगे। अभी तक होता क्या है बैट्समैन रन नहीं बनाते तो बॉलर पर प्रेशर आ जाता है और फिर पिटाई होती है, विकेट नहीं मिलती और मैच हार जाता है। यजी अगर बात करें शारजा में जो मैच हुआ था जिसमें सीएसके और राजस्थान रॉयल्स भिड़े थे, पहला मुकाबला था, आज इनका दूसरा मुकाबला होना है और पहले मुकाबले में जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने शारजा के मैदान पर 216 रन बनाकर 217 रन का टारगेट दिया था सीएसके के खिलाफ, जिसमें शानदार पारी खेली थी आपने संजू सैमसन ने और आपका स्टीव स्मिथ ने, हालांकि उसको चेस करते करते 200 रन तक तो पहुंची थी महेंद्र सिंह धोनी की टीम लेकिन वो चेस नहीं कर पाई, तो वो एक उस जीत का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि आज दोबारा दोनों टीमें भिड़ रही हैं और संजू सैमसन लगातार जैसे फेल होते आ रहे हैं पहले 2 मैचेस में चले, उसके बाद हमने पहले भी चर्चा की कि संजू सैमसन की फेलियर को कैसे आप आकलन करते हैं, क्या वो ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि करना बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं संजू सैमसन ओवरकम कर पाएंगे या नहीं पाएंगे ये ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो डिपेंड करता है कि आदमी कई बार अपनी लय से भटक जाता है, लैग हो देता है, उसको कई रीजन हो सकते हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, गलत शॉट का सिलेक्शन कर लेते हैं, बॉल को जो कुछ जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाना चाहते वो नहीं बनती है। संजू सैमसन थोड़ा एक बहुत अच्छे बैट्समैन है और मैं समझता हूँ कि उनकी जो टेक्निक और उनकी जो पोटेंशियल है उसको देखते हुए वो इंडियन टीम के अंदर अपना स्थान रखते हैं T20 टीम के अंदर, लेकिन किसी कारण से इस टूर्नामेंट के अंदर जो जैसे शुरुआत करी थी उन्होंने वैसा नहीं कर पाए, क्योंकि एक तो ओपन चेस खेले कुछ 2-3 बार जो आउट हुए और पीछे घुस के खेल रहे हैं
और बॉलर्स जो हैं दो तीन टीमों के उन्होंने उसको उनको अच्छी तरह रीड किया है और उनको आगे लिबर्टी नहीं दे रहे हैं हारने के लिए शॉट खेलने की। तो मैं समझता हूँ आपने बोला कि ओपन चेस्टेड खेल रहे हैं संजू सैमसन, उसके चलते बॉलर उनको रीड कर रहे हैं, बैक फुट पे खिला रहे हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि दर्शक देखें और समझें कि ओपन चेस्ट खेलने से नुकसान क्या हो रहा है संजू सैमसन को, विकेट तो जा रहा है पर बॉलर उनको कैसे रीड कर पा रहे हैं। एक्चुअली ओपन चेस्ट का मतलब ये है कि बिल्कुल साइड ऑन नहीं खेल रहे हैं बॉल को, बिल्कुल खुल जाते हैं तो लॉक हो जाते हैं वो, जबकि संजू सैमसन का बेसिक जो गेम है वो लॉकटेड शॉट बहुत अच्छे मारते हैं। जब भी आपने देखा संजू सैमसन निकल के मारते हैं तो गेंद या तो स्टैंड में जाता है या ग्राउंड के बाहर जाता है, नया बॉल बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन अभी कुछ मैचों से क्या हो रहा है कि संजू सैमसन बिल्कुल पीछे घुस के खेल रहे हैं, बॉलर्स भी पीछे खिला रहे हैं, पीछे खेलने में वो इतना कंफर्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, अपना वाइड ऑन बॉडी को नहीं रख पा रहे हैं अपने आप को। और ये यही कारण है कि दो एक बार तो मैच के अंदर वो 30 यार्ड का सर्कल भी पकड़े गए। पर मैं समझता हूँ क्योंकि 10-15 दिन हो चुके हैं टूर्नामेंट को और संजू सैमसन ने अपनी गलती को खुद ने इस चीज को अपने वीडियोस देख के जज किया होगा और वो नेट्स के अंदर अपनी इस गलती को ओवरकम करके शायद आज लौटेंगे। और मैं समझता हूँ आज एक अच्छी पारी की उनसे उम्मीद करी जाए जिससे कि टीम के लिए भी फायदेमंद हो, उनके लिए भी फायदेमंद हो और राजस्थान चेन्नई को एक अच्छा टक्कर दे सके, ऐसा मैं समझता हूँ। अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग की तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपना एक ओपन जो ओपनिंग पेयर भेज रहे हैं आजकल, सैम करन एक हथियार की तरह उनको यूज कर रहे हैं। हालांकि एक मैच में तो वो चले 31 रन इन्होंने बनाए लेकिन उसके बाद वो कारनामा करा नहीं सैम करन ने, तो क्या लगता है कि आज दोबारा सैम करन को भेजेंगे ओपन करने पावर डुप्लेसिस के साथ? नहीं मैं नहीं समझता, हो सकता वॉटसन ही आ जाए वापस और सैम करन को नीचे लाए, या ये डिपेंड करता है धोनी क्या सोच रहे हैं दिमाग में, क्योंकि धोनी की जो मेंटल स्टेटस है उसको समझना बहुत मुश्किल है। वो बड़े कूल रहते हैं और विकेट को देख के डिसाइड करते हैं किसको भेजना है। तो मैं समझता हूँ ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हुए धोनी यही सजेशन धोनी की तरफ से ये रहेगा कि अपना जो भी ओपनर कोहली को भेज रहे हो उनसे वो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप स्टे करके विकेट पे मैक्सिमम रन स्कोर करें, अपना विकेट थ्रो नहीं करें, जिससे कि मतलब एक मोमेंटम चलता रहे। और अगर 200 रन बनाता है चेन्नई तो डेफिनेटली राजस्थान के ऊपर वो आराम से प्रेशर क्रिएट कर लेगा, क्योंकि सेकंड पारी में जो भी बैटिंग कर रही है टीम उसके लिए चेस करने में बिल्कुल दिक्कत आती है। 200 रन एक बहुत अच्छा टोटल है और अगर 190 प्लस रन बनाती है चेन्नई तो मैं समझता हूँ अच्छी फाइट दे देंगे और मैच अपने फेवर में कर सकते। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप अपना कैमरा थोड़ा दूर होकर बैठे जिससे कि समझ में आए, क्योंकि आपका खाली स्पेस ही आ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की तो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी यहाँ पे हैं। आप देखिए जोश बटलर हैं, संजू सैमसन हैं, स्टीव स्मिथ हैं, बेन स्टोक भी आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो मैच को वो जीत में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं और सीधा रिलाई कर रहे हैं खाली राहुल तेवतिया पे। क्या राहुल तेवतिया के ऊपर ठीक है, आप अच्छे प्लेयर हैं उन्होंने मैचेस जिताए हैं, कि हर बार उन पे आप रिलाई नहीं कर सकते? नहीं देखिए ऐसा है कि राहुल तेवतिया पे ही रिलाई करके टीम अगर सोच रही है उनके प्यार पे हम मैच जीत लेंगे तो बिल्कुल गलत है। अभी राजस्थान रॉयल की अगर आप बैटिंग देखें तो कागज के ऊपर भी और वैसे भी देखा जाए तो सारे लीडिंग बैट्समैन टीम के अंदर ऑलराउंडर्स हो चाहे ओपनर्स हो दूसरे देशों के, मतलब एक बहुत अच्छी सॉलिड टीम है। अभी हो रहा क्या है जो भी प्लेयर आउट होता है दूसरा जो उसको रिप्लेस करने जा रहा है वो रिप्लेस करने जाता है लेकिन वो वहां पर स्टे नहीं कर रहा है और रैश शॉट खेल रहा है। रैश शॉट खेलने से क्या होता है वो वहां स्टे नहीं करता है, अपना विकेट थ्रो कर देता है। और यही आप पिछले मैच में भी देखें, 2-3 मैचों में यही देखा जा रहा है कि वहां पर स्टे नहीं कर रहे हैं। अगर वहां लाइन सी लग जाती थोड़ी देर में लगता है मतलब जो स्कोर था 60-2 थे पता लगा 80-5 हो गए। तो इसका कारण ये है मतलब अपने का बॉल का सिलेक्शन शॉट का सिलेक्शन उनको सोच के करना पड़ेगा। सब में टैलेंट है, सब इंटरनेशनल एक्सपोजर सबके पास में है और उनको विकेट पे स्टे करना पड़ेगा। स्टे करेंगे तो ही रन बनेंगे और ऐसा नहीं है कि बॉलर के अनप्लेएबल है, वही बॉलर है जिनको वो खेलता है शुरू से, सब एक दूसरे को समझते हैं, सबकी गलतियां सबके स्ट्रेंथ पॉइंट सबको पता है। आज उनको एक सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और सेंसिबल क्रिकेट खेलेंगे तो ही वो बाकी टूर्नामेंट के अंदर सर्वाइव कर पाएगा राजस्थान। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आज सेंसेबल क्रिकेट देखने को मिले, क्योंकि मुकाबले बड़े कड़े होते जा रहे हैं और सभी टीमों को अपने आने वाले सभी मैचेस
जीतने बेहद जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि अब प्लेऑफ में जगह बनानी और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए सभी मैचेस जीतने बेहद जरूरी हो जाते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग की अगर बात करें, अगर स्पिन डिपार्टमेंट के हम देखें तो इमरान ताहिर को बेंच स्ट्रेंथ पे रखना कितना नुकसानदायक है, क्योंकि अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग तो इनकी पावर है चेन्नई सुपर किंग की, लेकिन बॉलिंग में कहीं ना कहीं ये गड़बड़ा रहे हैं। तो क्योंकि पीयूष चावला की हम बात करें, हालांकि काफी रन उन्होंने दिए उसके बाद फिर कम बैक किया, लेकिन जो इमरान ताहिर एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकते हैं इस टीम के, तो क्या लगता है कि आज उनको जगह मिलना चाहिए? बिल्कुल शुभम, मैं समझता हूँ अब नहीं तो कब खिलाएंगे उनको समझ में नहीं आ रहा, और अभी तक उनको अजमा के देखा ही नहीं है सीजन के अंदर। और बिल्कुल वो एक इंटेलिजेंट बॉलर है, जब भी चेन्नई की तरफ से उन्होंने काफी मैच के अंदर वन साइडेड जीत के अंदर अपना काफी अहम योगदान दिया है। मैं समझता हूँ आज धोनी को इस पे बहुत सीरियसली सोचना चाहिए, और इमरान ताहिर के चार जो ओवर होंगे क्रूशियल होंगे वो टीम के लिए, और वो आज कैसे भी एडजस्ट करे क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स चार ही खेलते हैं, और धोनी को ये सोचना पड़ेगा किसको रिप्लेस करा जाए। अभी ये बताना मुश्किल होगा किसकी जगह वो आएंगे, लेकिन ये अपना जगह बनानी उनके लिए, मेरे को लगता है अगर बनाएंगे तो उनके उनको आउटपुट मिलेगा, क्योंकि इमरान ताहिर बड़ा वेरिएशन वाला बॉलर है, और बिल्कुल अगर वो चेन्नई को आज ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए वो बड़े कारगर चार ओवर होंगे। तो मैं समझता हूँ जो जरूर धोनी उनको इंक्लूड करेंगे स्क्वाड के। यश जी, अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो एक ऐसा खिलाड़ी है जो उनको मतलब कमजोर कड़ी नजर आ रहे हैं, हम बात करें जयदेव उनादकट की, और जब भी हम बात करते हैं तो बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, हम देखते हैं कि वो विकेट कितने निकाल रहा है वो बॉलर, और साथ ही रन कितने कम दे रहा है। हालांकि दोनों विकेट में भी हम देखें विकेट भी कुछ उन्होंने खास नहीं लिए हैं, और वही बॉलिंग आप रन की देखें काफी 10-10.5 के इकोनॉमी के साथ वो बॉलिंग डाल रहे हैं, तो ये कमजोर कड़ी है, तो इनका रिप्लेसमेंट देखते हैं तो किसे देखते हैं आज आप? देखिए अपन इसके ऊपर चर्चा पहले के काफी मैचेस में भी कर चुके हैं। उनादकट अपनी पोटेंशियल के हिसाब से टूर्नामेंट के अंदर कहीं से भी नजर नहीं आए, मतलब एक तरह से एक फॉर्मेलिटी होती है कि चार ओवर या तीन ओवर डाल दिए, बाकी जो एग्रेशन होता है बॉलर के अंदर लेफ्ट आर्म पर, मतलब कहीं से भी उनकी प्रेजेंस ऐसा नहीं लगी कि भाई वो मतलब कुछ इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। अब रही बात उनादकट का रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, तो मैं वरुण अरुण को समझता हूँ, लेकिन ऐसा समझ में सुनने में आ रहा है उनको वायरल है शायद, तो वायरल अगर है तो एक कोई स्पिनर को भी ले सकते हैं या कोई भी यंग टैलेंट। अंकित राजपूत भी है, अंकित राजपूत भी है जी, अंकित राजपूत भी है एक ऑप्शन। हाँ, अंकित राजपूत के शुरू के मैचेस में खिलाए थे, पर हाँ अगर उनादकर इतने मैचेस खेले तो आप एक बार उनादकर की जगह वापस अंकित राजपूत को भी ट्राई कर सकते हैं अगर वरुण अरुण फिट नहीं है, क्योंकि उनादकर बिल्कुल अभी तक 8-9 मैचेस के अंदर 6-7 मैचेस खेले हैं और कहीं से भी उनने किसी भी मैच में ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ा इससे लगे कोई हाँ आपका कोई प्रेजेंस है टीम के अंदर। तो जब अपन परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो हमको हमेशा ऐसा अपना माइंड ओपन रखना चाहिए कि किसी दूसरे को ट्राई करें, क्या पता वो सक्सेसफुल हो जाए। यजी, अगर बात करें दोनों टीम में आज कौन गेम चेंजर आप समझते हैं दोनों टीम में? देखिए एक तरफ है राहुल त्रिवेदिया जो लगातार टीम ने उनको परलाई किया है और जिम्मेदारी राहुल त्रिवेदिया ने निभाई और मैचेस जिता है, याद कीजिए वो सैंडर क्वार्टर के खिलाफ जो उन्होंने 6 लगाए थे। मैं बात करें सीएसके की टीम में, आप देखिए काफी विश्वास जता रहे हैं सीएसके पे, सीएसके के कप्तान सैम करन पे, तो ट्रम्प कार्ड प्लेयर की हम बात करें कौन गेम चेंजर हो सकता है दोनों टीम में? देखिए आज ट्रम्प कार्ड थोड़े बदले भी होंगे, मैं आपसे बहुत फ्रेंकली बात करूंगा, क्योंकि हर दिन एक ही आदमी पे अपन बेलाई करें ऐसा सही नहीं है। सीएसके को आज अगर एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है तो सबसे पहले रविंद्र जडेजा और धोनी को अपने पुरानी फॉर्म लौट के साथ में क्रिकेट खेलना हो 100%। रविंद्र जडेजा का बॉलिंग में क्योंकि लास्ट जो ओवर डाला था उन्होंने उस समय काफी मतलब मुझे लगा वो पूरी लाइन लेंथ को बदलते तो मैच को बचाया जा सकता था, खैर वो पुरानी बात होगी। लेकिन आज अगर राजस्थान रॉयल पे चेन्नई को जीत देगी तो रविंद्र जडेजा का बॉलिंग डिपार्टमेंट और बैटिंग में वो अच्छा कर रहे हैं उसी को बरकरार रखते खेलना पड़ेगा, और धोनी को क्योंकि अभी तक 147 रन बनाया धोनी, आज अगर वो ऊपर आते हैं ऊपर आना चाहिए उनको, और जिम्मेदारी अपने शोल्डर पर लेते हुए पुराना धोनी वाला परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, ये तो रहा सीएसके का। और जहां तक राजस्थान रॉयल का सवाल है, मैं समझता हूँ बटलर आज कुछ करके दिखाएंगे टीम को, संजू सैमसन भी चल सकते हैं, और आर्चर और त्रिवेदिया अगर मतलब पार्श्व भी चले तो मैं समझता हूँ आज बहुत नेक टू नेक का मैच होगा।
मतलब वन साइडेड मैच कहीं से भी नहीं होगा और ये आखिरी ओवर तक या आखिरी बॉल तक चलेगा। और मैं समझता हूँ कि इतना डिफिकल्ट आज हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आज का मैच भी सुपर ओवर में नहीं चला जाए। देखिए सुपर ओवर कल ही हमने तीन देख चुके हैं, शायद हम उम्मीद ना करें आज सुपर ओवर की, क्योंकि सुपर ओवर में देखिए किस तरीके से छह बोले मिलती है और छह बोले में आपको जीतना होता है, एक लक भी फैक्टर होता है। और जिस तरीके से कल शमी और जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की थी, गजब वो बॉलिंग स्पेल था। और हम उम्मीद करते हैं सुपर ओवर होगा तो एक निश्चित रूप से रोमांच जरूर पैदा होगा दर्शकों के लिए। यश जी अगर बात कर ले दोनों टीम का, क्या स्कोर प्रेडिक्शन आप बता दीजिए तो फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे। मैं समझता हूँ आज टॉस जीत के अगर चेन्नई सुपर किंग बैटिंग करता है तो 185 और राजस्थान रॉयल्स अगर टॉस जीतते हैं तो 180 बनेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और जो भी पहले बैटिंग करेगा सामने वाले के लिए वो दिक्कत आएगा चेज करने का। बिल्कुल बिल्कुल, रन बरसेंगे, मतलब 180 और 180 प्लस का जो टारगेट होता छोटा नहीं होता है। और चूंकि ये जो ग्राउंड है अबू धाबी का ग्राउंड है और यहाँ पे 12 मैचेस खेले गए हैं जिसमें पहले 7 मैचेस वो टीम जीती है जिसने पहले बैटिंग की है, तो देखना होगा किस तरीके से किस जोश और किस जुनून के साथ दोनों टीम मैदान में आज लड़ती हैं और कितना दिलचस्प कितना रोमांचक ये मुकाबला होगा। क्योंकि अब करो या मरो की स्थिति इस ना कि इस मैच में ही बल्कि आने वाले सभी मैचेस के लिए करो या मरो की स्थिति है सभी टीम के लिए जो नीचे से 5वें 6वें 7वें 8वें डाउन पर है। तो देखना होगा किस तरीके से आज दोनों टीमें मैदान में लड़ती है। खैर फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और यश जी बहुत